हेलो एवरीवन कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने आपको आज ट्रेड करने के लिए क्या दिया था एट हंड्रेड के नीचे सेल कहा था एक्जैक्टली exactly वैसे ही हुआ एक शार्प मूव मिला मैंने कहा था ट्रेंडी डे रहेगा अगर सेवनटीन एट हंड्रेड ब्रेक करता है आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं काफी लोगों ने कमेंट किया है कि मैम थैंक्स बहुत सारा प्रॉफिट किया सो so आप भी बताइए आपका दिन कैसा रहा कल के लिए देखते हैं निफ्टी फिफ्टी वन आवर टाइम फ्रेम एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड हो चुका है सपोर्ट लेवल पे आ चुका है सो सेवनटीन फोर एटी फाइव पे अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा अपवर्ड मूव आ सकता है क्योंकि एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे है और अगर कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता है तो आप वेट कीजिए टेन टू फिफ्टीन मिनट्स डायरेक्शन चेक कीजिए फिर ही ट्रेड कीजिए अगर ओपन होने के बाद बुलिश होता है तो 17640 तक टारगेट रह सकता है नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी बैंक वन आवर टाइम फ्रेम मैंने इसे ट्रेड करने के लिए 40500 के नीचे अगर जाता है तो आप एक डायरेक्शनल मूव देख सकते हो ऐसे कहा था मैंने एक स्ट्रेट मूव मिला डाउन साइड सब ने कैप्चर किया कल के लिए थर्टी नाइन थाउजेंड सेवन सिक्सटी का सपोर्ट लेवल है अगर गैप डाउन खुलता है और बुलिश कैंडल करता है तो अपवर्ड डायरेक्शन देखने के लिए मिल सकता है अगर नॉर्मल ओपन होता है कॉस्ट टू कॉस्ट तो फोर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड तक टारगेट रह सकता है काफी ब्योरिशनस है ट्रेंड में और एक सपोर्ट लेवल भी है सो so, कल मार्केट साइडवेज रह सकता है इस रेंज में नेक्स्ट देखते हैं फिन निफ्टी कल सेवनटीन एट फिफ्टी का ये एक सपोर्ट लेवल है और एटीन थाउजेंड सिक्सटी का रेजिस्टेंस है अगर कल गैप डाउन होता है तो सेम कंडीशन अपवर्ड मूव आ सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता है तो भी अपवर्ड मूव आ सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल पे है और ब्योरिश ट्रेंड है सो so, साइडवेज जाने की ज़्यादा चांसेस है कल